आपदा प्रभारी अधिकारी के नेतृत्व में सर्किट हाउस में ड्रोन का प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में प्रभारी अधिकारी आपदा राजेश सिंह ने बताया कि बुधवार को फायर का मार्क ड्रिल किया गया, लेकिन हमें वहां पर ड्रोन का भी मार्क ड्रिल करना था कि आपदा में ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, जिसको मार्क ड्रिल किया गया जो कि 15 किलोमीटर दूर जा सकता है। यह ड्रोन आपदा में एक जगह बैठ करके देख सकते हैं, जिसका प्रयोग बाढ़ में भी किया जाएगा। इस अवसर पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी आपदा अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, दोस्तों मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने फायर का मॉक ड्रिल किया था विश्वविद्यालय में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हमें वहाँ पे ड्रोन का भी मॉक ड्रिल करना था कि हम ऐसी आपदाओं के समय ड्रोन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो कल भी हम लोगों ने प्रयास किया था, बैटरी ना होने के कारण वो चल नहीं पाया था। आज हम लोगों ने यहाँ सर्किट हाउस पे इसका डिमॉन्स्ट्रेट करके देख रहे हैं। ये बहुत पावरफुल ड्रोन है, ये लगभग 15 किलोमीटर दूर तक हम इसको यहीं से भेज करके और आसानी से देख सकते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि अगर नगर में कहीं पर भी कोई आपदा हो जाती है तो हम यहीं बैठे बैठे ड्रोन से वहाँ की पिक्चर्स ले सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं और आसानी से फिर आपदा का अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे उसका बचाव किया जा सके। सर, बाढ़ में भी इसका उपयोग किया जाता है? एकदम बाढ़ में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर हम तहसील मुख्यालय पर एक ड्रोन रख देते हैं तो उसके 15 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी जहाँ पर भी बाढ़ आई हुई है तो हम वहीं बैठे बैठे बाढ़ की कोई भी विभीषिका है तो उससे बचाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये टीम है, बैंगलोर से है, TAS संस्था है। इनको हम लोगों ने इनवाइट किया था कि हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि वास्तव में आपदा में ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उससे क्या लाभ हो सकता है।